आवाज मेरा बंद किया था वाइफ ने. ओके एनीवे सो आई विल नॉट टेक मच टाइम. आई विल जस्ट गिव यू द ओवरव्यू व्हाट इज देयर कोर्स में क्या है ये सब दैट यू विल कम टू नो. बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि वेयर यू हैव टू फोकस, ये इसमें क्या है ये सब पता. जस्ट एज पूरन पोली का एग्जाम्पल दिया वंदना ने, उसके ऊपर हमें घी डालना है राइट. सो दिस इज द आइसिंग ऑन द केक. लेकिन आइसिंग बोले तो नेचुरोपैथी में केक भी नहीं है और आइसिंग भी नहीं. हाँ तो वो ठीक है, जस्ट एज अ जोक आई एम सेइंग. तो यहाँ पे कैसे है कि जो भी आपको करना है ना, फोकस राइट फ्रॉम द बिगिनिंग है ना. बिकॉज यू विल फाइंड कि थोड़े सब्जेक्ट्स, अभी किसी ने डरा दिया कि वहां पे तीन ही भूत है, यहाँ पे भूत. क्वांटिटी ऑफ बुक्स का कोई संबंध नहीं है इधर, है ना. दे आर वेरी सिंपल बुक्स बिकॉज यू शुड नो. और जब भी हमको इन डेप्थ पढ़ना है तो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा. और पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पोर्शन, 80 to 90% ऑफ द पोर्शन इज गेटिंग कवर्ड इन द मिड टर्म इटसेल्फ. इट इज सो सिंपल. थोड़े से सब्जेक्ट बाद में आएंगे, वेरी फ्यू. चार जो सिस्टम्स, टोटल 8 सिस्टम्स है. 8 में से 4 मिड टर्म को, 4 फाइनल मतलब जो सेकंड टर्म में आएंगे. और जो 4 जो फर्स्ट हुए ना, वो सेकंड टर्म में वापस स्टडी नहीं करने. बट नेचुरोपैथी, नेचुरल लिविंग, योगिक थेरेपी, ये तो हमारा बेस है. सो दैट विल रिमेन एज इट इज. डाइट इज द बेस, दैट विल रिमेन एज इट इज. बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू विल बी, बट डाइट ऑल्सो वी हैव डिवाइडेड इन टू 2 पार्ट्स. एक तो मिड टर्म तक खत्म करेंगे, दूसरा सेकंड टर्म में खत्म. सो बर्डन कहीं भी आएगा नहीं, दैट वी हैव टेकन. एंड जैसे बोला ITF पैटर्न तो एडॉप्ट करेंगे ना, ना? तो एग्जाम का टेंशन लेने का नहीं. सो ये पूरा एंजॉयमेंट के साथ हमें करना है. सो इन TTC, व्हेन यू आर डूइंग YTTC, तुम्हारा योगिक साइंस का बुक है बराबर. तो योगिक साइंस में यू जस्ट लर्न अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, है ना. एक एक टर्मिनोलॉजी इसे क्या बोलते हैं. नाउ दिस टर्मिनोलॉजीज विल ट्राई टू लर्न इन डेप्थ, थोड़ा और अच्छे से सीखेंगे. और नेचुरोपैथी में क्या सीखेंगे, तो जो पंच महाभूत है मतलब कैसे होते हैं, द 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स, उसका पूरा ज्ञान, वो कहाँ से आए और उनका हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें. एंड देन यू विल एक्सपीरियंस ईच ऑफ इट. मतलब हमें ये सब ट्रीटमेंट्स खुद पे लेनी है. वाई लेनी है, बिकॉज दिस इज ऑल एक्सपीरियंशियल साइंस. तो तुम जब भी खुद को ट्रीट करके लोगे तो देन दैट कन्विक्शन कम्स, ये मुझे कैसे फायदा हो रहा है मुझे खुद को. तो ये जैसे ही देखेंगे, सो नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हारे पास आ गया तो ये यू कैन टेल हिम, हाँ या दिस वर्क्स वेल. तो जैसे स्टीम बाथ लेने के बाद क्या होता है, मड बाथ लेने के बाद क्या होता है, एवरीथिंग. द मोमेंट यू एक्सपीरियंस इट द कन्विक्शन कम्स थ्रू इट. सो यू विल बी कन्विंस थ्रू दिस. तो ये इंपॉर्टेंट है. और मैडम भी नंतर फोन कर. तो दिस कन्विक्शन विल कम एंड यू विल लर्न. ओके तो एंड एवरीथिंग योगिक थेरेपी जो भी सीखा नहीं, थेरेपी कैसे करनी है, थेरेपी एज अ थेरेपिस्ट व्हाट आर योर रोल्स, ये है. फिर हम लोग देखते हैं कि वी आर लर्निंग योग राइट. तो योग में क्या है कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र, है ना. हमें क्या पतंजलि योग सूत्र का स्टडी नहीं करना है यहाँ पे. बट पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि हैज नॉट गिवन दीज योग सूत्र फॉर थेरेपी, ही हैज गिवन इट फॉर मोक्ष एंड कैवल्य. तो हमें कोई मोक्ष और कैवल्य लेना नहीं है यहाँ पे, है ना. व्हाट वी हैव टू डू, इसमें से वी हैव टू टेक द एक्सट्रैक्ट कि व्हाट ही इज सेइंग साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, जो भी करते हैं उसका थेरेपी में कैसे यूज होता है. तो कुछ सिलेक्टेड चीज हम लोग लेंगे, दैट टू थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे एंड दैट विल एक्सप्लेन. एंड दैट यू विल बी रियली रियली अमेज्ड टू सी हाउ दिस इज कनेक्टेड टू अवर डेली लाइफ, अवर पर्सनैलिटी. इसे कैसे, दिस इज अ 50th ईयर राइट, गोल्डन जुबली ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग. एज अ पार्ट ऑफ इट वी आर डूइंग वन प्रोग्राम कॉल्ड योग पुष्पांजलि. हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट, योग पुष्पांजलि. वी आर गेट यू हैव बीन लिसनिंग टू दोज लेक्चर्स, ब्यूटिफुल लेक्चर्स. एंड टूडेज लेक्चर्स स्पेशली आई से डोंट मिस इट.
It's a wonderful subject because these subjects are not discussed even in bar bhi kahi discuss nahi hote. So this is a wonderful subject and this will be very helpful for you to understand. Matlab, it's not from the study point wagare nahi, but today 4:30, that link we have already posted, I think. So you attend that lecture also. So this kind of all these things we are continuously doing. Then lectures mein jo bhi hoga, kuch bhi difficulty hai, we are there to solve all. फिर लोगों का एक हमेशा प्रॉब्लम रहता है कि इंग्लिश थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, तो कैसे करेंगे, हिंदी में समझाएगा क्या, मराठी में? बिल्कुल, वी आर देयर, एब्सोल्युटली. यू कैन राइट योर पेपर्स इन हिंदी, यू कैन राइट योर पेपर्स इन मराठी. व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू सी, हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, है ना? कोई इधर न्यूमोनिया और इसका स्पेलिंग नहीं पूछने वाला, और स्पेलिंग के ऊपर मार्क्स नहीं. डोंट वरी, एब्सोल्युटली. और वो कुछ भी, कोई श्लोक किधर बुक में दिया होगा या कुछ होगा संस्कृत श्लोक, कुछ बायहाट करने को मत जाओ. वी आर नॉट इंटरेस्टेड. मतलब ये बुक में से उठा के उसका लाइफ में कहाँ उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन है थेरेपी में और लाइफ में, दैट वी आर इंटरेस्टेड. एंड इफ यू आर अंडरस्टूड दैट, यू आर डन. तो उसमें कुछ नहीं. एंड ऐसे है ना, हम लोग सिखा भी सकते हैं, एग्जाम का टेंशन भी नहीं देते, लेकिन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना लाइफ में, बोलते व्हाट निकालना. इफ एनीबडी हैज अ कार विद द नंबर 2026 2026, रजिस्ट्रेशन नंबर, कार किसका है आप में से? 2026 नहीं है सर, ठीक है, थैंक यू. तो वेयर आई वॉज, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया. हाँ, क्या बोल रहा था? हाँ हाँ, तो किसी रटने की जरूरत नहीं है, कोई श्लोक वगैरह कुछ बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, फिर उसके ऊपर से हम करेंगे. ओके, एग्जाम्स में कैसे है कि 50% पासिंग, जैसे सर ने बोला, तो मैक्सिमम पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव आपने दिए पेपर, वैसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव लेकिन ऐसे नहीं है कि तुक्का लगा के पास हो गए, है ना? तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, डोंट वरी, वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं. लेकिन आप ऐसे ही टॉस द कॉइन एंड गेट, तो होगा नहीं, ये मैं बता देता हूँ. फॉर दैट यू हैव टू स्टडी. तो That we will see, yeah, or we will see and we will prepare you for the same. That is our responsibility to make you prepare for that exams. Practicals, you have already gone through it. Practicals, so aap mere se jyada practice mein honge. So practicals will be there. And viva, jaise maine bola, viva ka bhi koi. And most probably we will change from this year, we will change a little pattern. और थोड़ा अलग से करेंगे, सो दैट यू गेट मोर इन्वॉल्व इन टू इट, दैट डेफिनेटली विल डू. ओके, एंड एग्जाम्स ऐसे है ना कि इवन इफ 70-80% पोर्शन इज कवर्ड इन द मिड टर्म, एग्जाम में 100 मार्क्स में से 40 का एग्जाम मिड टर्म में होगा, बट यू हैव टू पास इन बोथ, ये मिड टर्म और फाइनल में 40 होगा, एंड देन सेकेंड टर्म में 60 मार्क्स का एग्जाम. That is the idea behind. Okay? And getting 40 marks में pass होना तो कोई difficult नहीं है उसमें से. That easily आप कर सकते हैं. And हमेशा की तरह, मतलब मैं always I keep on telling this, पीछे के papers के ऊपर ज्यादा ध्यान मत देना. पीछे के paper से हम कुछ भी नहीं उठाएंगे. 5 साल 6 साल पीछे जाओगे तो भी उसमें से कुछ नहीं उठाएंगे. नया नया every साल कुछ ना कुछ देते रहे. So want to know the subject, you can refer to the past papers, but don't depend on the past papers. ये मेरा कहना है ना, क्योंकि pattern भी बदली होगा, कुछ भी होगा. आपको जो manuals दिए जाएंगे, आपको जो books दिए जाएंगे ना, उसी में से study करो, उसके बाहर का कुछ नहीं है. Not even in Viva, not even in your theory exam, बाहर से कुछ नहीं पूछे, जो book में है वही पूछेंगे. And exams are necessary, why you know? Because अगर exams नहीं रहेंगे ना, तो study नहीं करते. एग्जाम नहीं है तो टेंशन ही नहीं रहता स्टडी का, तो एग्जाम चाहिए, है ना?
बट इस ऐसे भी नहीं चाहिए कि वो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस बन जाएगा, बट थोड़ा सा यू स्ट्रेस चाहिए। तो ये यू स्ट्रेस देने के लिए एग्जाम्स है, इतना ध्यान में रखो। विल नॉट गिव यू द एग्जाम्स एज अ डिस्ट्रेस, बट उतना भी तुम स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस वो चाहिए ना। अगर थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं होगा तो काम नहीं होता है ना। पूरा रिलैक्स करेंगे तो कुछ काम नहीं होगा, कुछ होगा नहीं। तो एटलीस्ट फॉर दैट यू विल रीड थ्रू द बुक्स, एंड व्हेन यू विल रीड थ्रू द बुक यू विल गेट द नॉलेज, एंड द आइडिया इज टू गेट द नॉलेज, है ना। एग्जाम के लिए रट के कुछ फायदा नहीं है, यहाँ से यहाँ करो रटे कुछ मत करो। एंड ड्यूरिंग मतलब बिफोर एग्जाम्स ऑल्सो वी विल मेक यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, इसमें कोई ये नहीं। ओके एंड सब्जेक्ट्स जैसे मैंने बोला, नॉट टू मच ऑफ बट फिलोसॉफी विल बी देयर, थोड़ा वो समझने में क्या है, वॉट इज कहाँ से कहाँ है, बिकॉज वी आर वी आर द योगा लर्नर्स है ना। वहां पे आप प्रैक्टिकल अप्रोच सीखे। सांख्य आपको कुछ लेक्चर्स विनोद सर ने लिए होंगे, है ना। सांख्य इज द थियरी, योग इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। सो देर आर जो दर्शन है उसका आपको खाली ओवरव्यू मिलेगा, एंड दिस थियरी वेन यू लर्न यू विल बी इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर एंड मोर। और क्या होता है ना, वेन यू लर्न दिस दिस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, हम दोनों का एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ मैम का, कि वेन दिस इंटरेस्ट इज डेवलप दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन टू गो फर्दर। फिर आपको अगर इच्छा होगी कि चलो मैं आगे भी कुछ करूँ, ग्रेजुएशन करूँ इसमें और करूँ, तो ये फाउंडेशन तैयार होता है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ये इंस्टीट्यूट 4 महीने में ये कोर्स करवाता है, थेरेपी इधर 80 डिसीजेस दे आर कवरिंग, ये वो सब। डोंट गो बिहाइंड दैट, बी अ स्पेशलाइज फोकस करके, जैसे वाईवीएन कर रहा है, वाईवीएन ट्रेडिशन है, गुरु जी का पूरा ये है, फोकस करो एक चीज पे, कंप्लीट करो, देन इफ यू वांट टू लर्न मोर ऑफ द थेरेपीज स्पेशलाइजेशन करो एक एक इसमें इफ यू लाइक टू सी। लेकिन क्या होते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, सब मालूम है लेकिन मास्टरी किसमें भी नहीं, दैट शुड नॉट हैपन। बट हियर इफ यू आर डूइंग इट यू विल बी मास्टर्स। एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, नॉट ओनली दिस थिंग, योर ओन लाइफ विल चेंज द लाइफ स्टाइल। एंड एक छोटी सी चीज बताता हूँ, व्हेन यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स अनलर्न द अर्लियर थिंग्स, पहले जो चीज है ना वो अनलर्न करो, एंड मेक अ रूम फॉर द न्यू लर्निंग, एंड यू विल बी सरप्राइज। जैसे ही चालू हो गया अभी लेक्चर्स, अरे हम तो बचपन से ये सीखते आए हैं, ये क्या नया, ऐसे भी चीजें होंगी, दिस इज समथिंग न्यू। बट यस ओवर द पीरियड यू विल अंडरस्टैंड, यस दिस इज रिक्वायर्ड, नो बडी हैज टोल्ड मी यस दिस इज हैपनिंग। सो मेंटेनिंग योर हेल्थ, मेंटेनिंग आपका आरोग्य जो है, इट इज इन योर ओन हैंड्स, गेट द कंट्रोल ऑफ इट, है ना। द नेचर हैज गिवन यू एन एक्सेलेंट बॉडी, नाउ दैट यू आर इन टू योग यू आर ऑलरेडी टेकन अ स्टेप कमिंग टू नेचुरोपैथी एंड नेचुरल लिविंग के आगे आएंगे। सो यू विल बी इन अ कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर ओन बॉडी, योर ओन हेल्थ। ओके, वो कैसे करना है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, एंड डाइट वगैरह के चल लेक्चर से नन अदर देन सावन सर है वहां पे, है ना। सो ही इज द वन हु हैज एक्सपीरियंस इट, एंड एक्सपीरियंस से वो सिखाते हैं। पूरा सीखने को मिले ऑटो मसाज, कि मसाज कैसे करना है, क्या करना है, मसाज का क्या बेनिफिट्स होते हैं, ऑटो मसाज आएगा, हाउ टू डू दोस डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करना है, कैसे करना है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फास्टिंग। वंदना जी वॉज टेलिंग, नॉट दिस वंदना दादन, शी वॉज टेलिंग 48 आवर्स का फास्टिंग यहाँ पे किया। सो वी वेयर टू सुपरवाइज, और हमें हमने भी उनके साथ में फास्टिंग किया 48 आवर्स, एंड जस्ट डूइंग दैट फास्टिंग उसके पहले नॉट पोस्टिंग, बट आई हैड डन 2 48 आवर्स फास्टिंग बैक टू बैक एंड 172 आवर्स फास्टिंग।
सो 10 10 डेज का पूरा फास्टिंग करके आया था मैं, और इनके साथ में वो 48 आवर्स का फास्ट, एंड इट वॉज सो इजी एंड सो सिंपल. सो दैट कन्विक्शन कम्स बिकॉज आई हैव डन इट, आई कैन टेल अदर्स. अरे डरो मत, फिर क्या होगा तो उसमें क्या करने का है, वॉट प्रिकॉशन यू हैव टू टेक. ओके, किसी को थोड़ा थोड़ा अलग स्ट्रक्चर होता है, बट हाउ टू टेक केयर, क्या करना है, कभी करना है, ऑल दिस थिंग्स यू विल लर्न थ्रू दिस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोचेस, ऑल दिस प्रैक्टिकल अप्रोचेस यू विल लर्न. ओके, अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, जस्ट लेट मी नो एंड देन यू विल फिनिश, बिकॉज होल ईयर विल हैव अ जॉयस जर्नी. ओके, विल हैव द फुल एंजॉयमेंट दैट आई एम टेलिंग यू, मतलब हंसते खेलते सीखो. सो कोई डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है तो आज, और मराठी मध्ये आम्ही बोलतो ना, कुंपणावरती बसू नका, डोंट सिट ऑन द फेन्स, जम्प इन साइड, गेट इन टू द फ्रे, रिंग में आ जाओ, एंजॉय करो. तो कुछ क्वेश्चन है आपको, किसी को डाउट्स है, एनी क्वेश्चन? यस वेलकम. दैट इज नॉट इन योर करिकुलम, ये फोर्स में नहीं है. आई एम जस्ट टेलिंग यू, इसमें तुमको कोई फास्टिंग करने के लिए, फास्टिंग वर्कशॉप हम लोग लेते हैं ना एक्स्ट्रा, वैसे वो अलग वर्कशॉप है. डरो मत, कसले डिलीवर ते जास्त चांगलं होईल, दॅट विल बी एनहान्स युअर क्वालिटी ऑफ वर्क, व्हॉट यू आर डुईंग विल बी एनहान्स्ड, आय एम प्रॉमिसिंग यू दॅट विल बी एनहान्स्ड. वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा, जो काम अभी करते हो टीटीसी ज्वाइन करने के बाद किया है उससे भी ज्यादा ये करने के बाद, इट विल बी एनहान्स्ड. एक मिनट. ओके, वन सेकंड. देर वॉज एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जो 48 आवर्स फास्टिंग आई वॉज मेंशनिंग, वेदर दैट इज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, दैट इज विद द वर्कशॉप. तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो हम करवा के लेंगे, एंड यू विल स्टेप फॉरवर्ड कि चलो 48 आवर्स का फास्टिंग करते हैं, या आप ही से आएगा. ओके, योर क्वेश्चन सर. Yes. Yeah. इनका जो क्वेश्चन था कि ऐसे कि व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहां से बहुत कुछ आता है. इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब आपका क्वेश्चन के लिए नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड टेक एवरीथिंग जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आते हैं. बहुत लोग छोटा सा ज्ञान लेके बहुत ज्ञान दे बांटते हैं, बट वॉट ही हैज आस्क्ड कि जो डिफिकेशन करते हैं तो इंडियन स्टाइल से जो करते हैं, वेदर दैट वॉट खाते हैं. डेफिनेटली जो इंडियन स्टाइल का जो है, हर कमोड का जो है, डेफिनेटली इट हेल्प, बट वी विल लर्न साइंटिफिकली वाई इट इज बेटर एंड वाई इट इज गुड. ओके, डेफिनेटली विल गिव ऑल द आंसर्स. तो राइटली आस्क, और भी कुछ है ऑनलाइन को, कुछ क्वेश्चन है तो दैट ऑल्सो यू कैन आस्क. सर पास करने आज सर, वन सेकंड आप बोलो. नहीं आप बोलो. अच्छा, इस क्वेश्चन इज सैटरडे और संडे के टाइमिंग्स क्या है दादर और यहाँ पे लैंग्वेज टीचिंग. तो आंसर इज दैट टाइमिंग्स आर सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेंटर, दादर हो वाशी हो, ऑनलाइन है. टाइमिंग इज सैटरडे इवनिंग 6:30 to 8:30, संडे 8 to 12, ओके मॉर्निंग 8 to 12, ये टाइमिंग सब जगह पे सेम है. मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज इंग्लिश, बुक्स ऑल्सो आर इन इंग्लिश. इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सर्टन बुक्स आर अवेलेबल इन मराठी एंड हिंदी ऑल्सो,
So you can refer to those books. And if you have any questions, you can ask them in Marathi, Hindi, whatever language you want to ask, and we will give answers to all your queries. Okay? So don't take tension about the language and all. Mini Hare Krishnan. Yeah. Yes, sir. Is pranayam and meditation also part of curriculum? So Mini Hare Krishnan from online is asking whether pranayam and meditation is the part of the curriculum. Obviously, everything is there. Pranayam is there. Meditation is there. Rather, whatever meditation techniques and pranayam techniques are taught at a much, much deeper level. Okay? That also will come to know why meditation, higher meditations, जो आपके आपके लिए पहले किए नहीं होंगे, मानस चिंतन, इष्ट चिंतन, जागृत विस्मरण, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट साक्षी भावना तो आपने की है, बट डिफरेंट डिफरेंट जो मेडिटेशन टेक्निक्स है, आई एंड हाउ दैट एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस प्राणायाम. ऑब्वियसली प्राणायाम, नादानुसंधान प्राणायाम, एवरीथिंग इज देयर इन दिस कोर्स, दैट इज एम्बेडेड इन दिस कोर्स. थैंक यू ओके, सर. या दैट इज देयर वन. या He is asking whether this all this whatever is going to be there will be declared to it. Obviously, we'll be releasing the timetable, all timetable, timing, which subject, when it is going to be taken, who is the lecturer, everything will be declared. But we are waiting for some time because we have got external doctors as a faculty. They are coming to give lectures, doctors for each, for digestive system, respiratory system, circulatory. The expert doctors, they are very busy doctors, so we are taking appointments with them. Moment we are getting their appointments, we are designing our other lectures right then. Okay, so the timetable will be declared soon, and you will come to know when is the lecture and all. Okay, yes, yes, Jai Sri Prasad, yes, doctor, yeah, ask. Yeah, good morning, sir. Yeah. Sir, what about like from the next week, the course will be start in the full place next Saturday? She is asking whether the course will start full-fledged. I didn't get full-fledged ka matlab nahi samjha, Sir, but full the place course is matlab like starting. books and everything will be given in this. Books, everything will be given, but we are waiting for admissions hai na, ki thode thode hote rehte hai, then the अकॉर्डिंगली जो मैनुअल्स प्रिंटिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें अवधि चाहिए. और बुक्स नहीं आते करके आपका स्टडी किधर भी रुकेगा नहीं, और बुक्स आ जाएंगे. ओके, विद इन शॉर्ट पीरियड वील गिव द बुक्स. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी, प्रिंटिंग में जाएगा, प्रिंटिंग आ जाएगा. And वील can we गेट get द the बुक्स. fee structure, sir? Fee structure. फी स्ट्रक्चर शी वॉन्ट्स टू नो अबाउट. वन सेकेंड, शी वॉन्ट्स टू नो, डॉक्टर जयश्री प्रसाद वॉन्ट्स टू नो अबाउट द फी स्ट्रक्चर. फी स्ट्रक्चर इज 10,000 द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, कॉमन फॉर ऑल. ऑनलाइन इट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15,000, एंड फिजिकल इट इज सेकेंड इंस्टॉलमेंट 10,000. सो 20,000 एंड 25,000, दैट इज द फी स्ट्रक्चर. ओके, एंड बुक्स आर द बुक्स, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर स्टडी मटेरियल. ओके, सो दोस ओके बुक्स आल्सो विल गिव. हाँ ओके थैंक यू सर. हाँ वन सेकेंड, दोज हु आर वाइवेनाइट्स, दे डोंट हैव टू पे फॉर योग वार्ता सब्सक्रिप्शन. दोज हु आर नॉट फ्रॉम वाईवीएन, दे हैव टू पे 500 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर योग वार्ता, 5 ईयर सब्सक्रिप्शन. 5 साल का सब्सक्रिप्शन है, सो 100 रुपीज अ ईयर करके वो आ जाएगा. तो दैट इज वन एडिशनल फॉर नॉन वाईवेनाइट्स. वाईवेनाइट्स हु हैव ऑलरेडी पेड, नीड नॉट पे फॉर दैट. ओके, हाँ यस. एनीबडी, वन सेकेंड, कल्पना चौधरी प्लीज Yes, आस्क. sir. Yes, sir. Sorry, sir. I'm not able to open my camera. I don't know what happened. Sir, I'd like Pardon, to know. pardon, one second, one second. My Yeah, please camera say. is not working. Sorry for that. Huh? Pardon? I'm Kalpana, sir. Yeah, tell me. Sir, I'd like to know whether this passing percentage is 40 or 50. Passing percentage is 50. But you have seen the results just now. What was the percentage of passing and all, and how they have fared?
So don't take tension. Okay? Okay, sir, one more thing. What is that called? Yeah. 75% attendance is compulsory to sit for the exam. 70 का 75, 70, 75% attendance is mandatory. Because if you don't attend, then what is the use? So for that, her question is about. So it is mandatory. You have to attend 75%. Then only you will be able to give justice to your course. यस Absent रह यस के क्या justice हो गया ना? नहीं नहीं ओनली फॉर Yeah, इमरजेंसी पर्पज आई एम आस्किंग that is okay. अदरवाइज That those things are always considerable. Yeah. यस So that is always case to case, that will be done. Don't worry. यस श्योर That थैंक will यू take सर care. थैंक यू सर Yeah. Yeah. हाँ, she is asking whether global students have to come over here or they can see. When you are enrolling for a global, you have got a freedom to attend globally, or you can come over here. You can write your exams online. You can, if you want to come and give your exams physically at Yog Bhavan, you can do that. So global students can attend, can give exams online and can come over here. That is their wish. Okay. And when they are coming, their separate attendance also will be taken away. So don't worry. Even if, suppose, if any physical student if has some difficulty and want to attend online, we will provide the link for that day, but attendance will not be marked. Okay. But he will not miss the lectures. Okay. That facility we are giving. You can attend online on that day. You have to tell us in advance that such a date it will not be possible, but I will attend online. So you can attend online. Only the attendance will not be marked, but that facility will be given. And online students, they will get all the recordings. कोई बाद में कोई hardly anybody listens to those recordings, but ठीक है, हम देते हैं. Okay, as a thing. तो बाद में रिकॉर्डिंग पढ़ के कोई गाने नहीं है ना, कोई पढ़ के करेंगे. मांगते हैं ना तो देना है, बट दैट इज देयर. दोज हु वांट टू स्टडी, फॉर देम इट इज देयर. ओके. सुरेखा जी, सुरेखा काटेकर. यस, नमस्ते सर नमस्ते. सर हम लोग मतलब आम्ही ऑनलाइन आहे ग्लोबल मध्ये परंतु कधी नेटवर्कचा इश्यू आला तर मी ऑफलाइन आहे आणि आज अटेंडेंस खूप पाऊस कसा पडला होणार आणि सर बाहेर ट्रॅफिक जाम झाला आणि मी पोहोचू नाही म्हणजे शकले. तसंच आन्सर आहे. तसं झालं तर काय नाही, एवढं टेन्शन नाही घ्यायचं. नेटवर्क आहे तुमच्या हातात नाही, आमच्या हातात नाही. झालं तर तेवढं आपल्याला समजतंय नेटवर्क इश्यू आहे. मेसेज टाकला की आम्हाला कळतं. लाईट गेली घरातली तर काय करणार आहे ना, अशा गोष्टी होणार आहेत. दॅट इज ओके, इट हॅपन्स. ठीक आहे डोंट टेक थँक यू सर टेन्शन, एवढं त्याचं टेन्शन नाही घ्यायचं. विभाजी. येस. यस गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर सर मैं जोहरात मैं आसाम में रहती हूँ और एक्चुअली मैं वहाँ भी यही नेटवर्क का इश्यू रहता है तो इसलिए मुझे भी रिकॉर्डिंग का नीड पड़ सकता है कभी आता है नेटवर्क का प्रॉब्लम तो उस टाइम पे मुझे चाहिए होगा सर रिकॉर्डिंग जो मेरे मिस हो इरिस्पेक्टिव ऑफ जाएंगे दैट, आप आपको रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है. इस पर आपको पूरे के पूरे सब रिकॉर्डिंग्स हम देंगे. लास्ट लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वाज अ स्टूडेंट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर. ओके, सो ओके वी नो दोस डिफिकल्टीज. डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ इट. यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स. रूपा जी, शी इज आस्किंग अबाउट सर जोरहाट वन में. मोर शी इज क्वेश्चन ज्वाइन फ्रॉम जोरहाट, तो कभी नेटवर्क का इश्यू आ जाएगा. विल सर टेक केयर. विभागरवाल सर या विभागरवाल विभा फ्रॉम जोरहाट सर हाँ वन सॉरी, मोर विभा क्वेश्चन अग्रवाल फ्रॉम जोरहाट. यस, यस सर आई यस सर अप्रिशिएट वन यू मोर ज्वाइनिंग फ्रॉम क्वेश्चन देयर. या सर वन मोर क्वेश्चन अबाउट या सर कभी कभी मेरा ट्रैवलिंग रहेगा तो मैं क्लास में उस समय वीडियो ऑफ कर सकती हूँ हाँ, वो हो सकता है. दैट ओके यू इन्फॉर्म एंड अटेंडेंस देन विल विल बी टेक. कंसीडर्ड वो सर अटेंडेंस को केस टू केस टू केस यू टॉक टू अस, केस टू केस टेक केयर. या एनीबडी थैंक यू एल्स? सर या रूपा जी, समबडी वॉज आस्किंग क्वेश्चन सर ऑनलाइन. गुड मॉर्निंग सर एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू नो व्हेन वी हैव टू पे सेकेंड इंस्टॉलमेंट डोंट वरी, बिकॉज दैट वी विल टेक केयर. विल सेंड द लिंक फॉर द सेकंड इंस्टॉलमेंट. पैसे भरने की आपको जितनी
जल्दी है उतनी जल्दी हमें भी है कि पैसे कलेक्ट करने के लिए. सो वी बोथ विन विन सिचुएशन है. डोंट वरी, वी विल सेंड द लिंक. ओके, सेकंड लिंक भी हम भेज देंगे जल्दी. हाँ, पहले फर्स्ट लिंक से एडमिशन होने दें, बाद में सेकंड लिंक भी भेज देंगे. डोंट वरी. ओके यस या ट्वेंटी एंड 30, 20, 40, 40 का 50% 20 है, 60 का 50% 30 है. ओके, सिंपल है. मेरा एक ही है कहना कि विद्यार्थी बनो, परीक्षार्थी मत बनो, है ना? विद्यार्थी बनो और सीखो, परीक्षार्थी मत बनो. परीक्षा विद्यार्थी बनेंगे तो परीक्षा अपने आप हो जाएगी. डोंट वरी. मृगना, यस, ऑनलाइन से. गुड मॉर्निंग सर. या लिटिल एक्चुअली लाउडर. आई वो हेलो, कैन यू हाँ, हियर लिटिल मी सर? लाउडर. हाँ, सर, आई वांटेड टू आस्क अबाउट द बुक्स, हाउ वुड बी दे बी सेंट, बिकॉज आई वुड बी जॉइनिंग ग्लोबली. नहीं, आई तो डिडंट गेट यू, वापस बोलो. आई वांटेड टू आस्क हाउ द बुक्स वुड बी सेंट टू ग्लोबल स्टूडेंट्स. शी इज आस्किंग हाउ द बुक्स एंड स्टडी मटेरियल विल बी सेंड टू ग्लोबल स्टूडेंट्स. इट विल बी बाय कुरियर. ओके, विल कलेक्ट द एड्रेसेस, विल टेक केयर. डोंट वरी, विल सेंड यू द गूगल फॉर्म्स वेयर यू विल पुट योर नेम्स एंड करेक्ट एड्रेसेस. एंड करेक्ट करेक्ट एड्रेसेस आर द करेक्ट एड्रेसेस विथ प्रॉपर पिन कोड, बिल्डिंग नंबर, रोड नंबर, ऐसे प्रॉपर अगर भेजेंगे ना, प्लीज. एवरी ईयर दैट इज अ एक्सपीरियंस. हाँ, तो वैसे मत करो. गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो गूगल फॉर्म जैसे ही हमें मिल जाएंगे, विल सेंड यू द कुरियर्स. ओके, तुम्हारा सब मटेरियल कुरियर से आ जाएगा. एंड दोज हु वांट टू कलेक्ट पर्सनली, यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं. ऐसे कुछ नहीं, सबको कुरियर करने की जरूरत. हाँ, विल डिक्लेयर द डेट, यहाँ आके बुआ के पास साइन करके अपने अपने मटेरियल लेके जाना. हाँ, सो दैट विल टेक केयर एवरीथिंग. यस, धीर लोडाया. या या हेलो सर, आई एम दीप्ति लोडाया. हाँ, या दीप्ति, सर आई गॉट इट, बट नेम इज हाँ, डिफरेंट, दैट इज वेयर. या माय या सन्स दीप्ति जी. या नेम. सर वांटेड टू आस्क अबाउट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और एनी स्पेसिफिक ड्रेस कोड सो वी कुड बाय. सी, यूनिफॉर्म एंड ड्रेस कोड इज देयर. सो जो YTTC के स्टूडेंट्स हैं, जिनके पास यूनिफॉर्म्स हैं, उनको वापस बाय करने की जरूरत नहीं है. ओके, देयर इज नॉट एनी सेपरेट यूनिफॉर्म फॉर YTTC और YMTC. यूनिफॉर्म इज नॉट कंपल्सरी फॉर ग्लोबल स्टूडेंट्स. वी आस्क देम टू यूज डार्क कलर ब्लू टी शर्ट्स, नॉट नेसेसरी. बट स्टिल, इफ दे वॉन्ट टू बाय द यूनिफॉर्म, they can tell us the size and how. If we want to be courier, that also will take care. But uniform is not compulsory for the global online students. Here I'll tell you the idea behind the uniform. When you are meeting over here and physically when you are doing, no? So all should look uniform. It should look nice, है ना? इसलिए वो uniform जरूरी है. But uniform is not mandatory for the, especially for those who are staying away abroad, के लिए कुछ जरूरत नहीं. ओके, Yeah, thank यस, you, sir. एनी But क्वेश्चन? I would be mostly coming. 80% or 90%, I would be coming to the institute. That's why I या will need वेलकम. uniform, sir. या दैट दैट टाइम विल मेक इट अवेलेबल. जो विल Yeah, मेक इट thank you, अवेलेबल. sir. यस मैडम, आपको क्वेश्चन था. We'll post in the group when the lectures will start. Everything will be posted in your respective groups. Okay? और exams, कौन से papers होंगे? आज जो prize distribution किया ना, वो सब exams, मतलब वो papers है. Written papers ही है ना? Written paper में एक paper होगा yogic aspect, एक होगा medical aspect, natural living, naturopathy, natural living paper 1, natural living, naturopathy paper 2. फोर पेपर्स.
इन ईच मिड टर्म में चार, ईच ऑफ 40 मार्क्स, फाइनल में ईच ऑफ 60 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स के पेपर, सो दैट विल बी 400 फॉर दिस थियरी पेपर्स, 80 मार्क्स का ओरल एंड 80 मार्क्स का प्रैक्टिकल, दैट विल बी फॉर द मिड टर्म, 120 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 120 मार्क्स का ओरल इन द फाइनल टर्म, सो 200 हो गए, 400 प्लस 200, 600 प्लस 200, 800 एंड 100 मार्क्स फॉर ओवरऑल, सो 900 मार्क्स का एग्जाम, ओके क्लियर। मिड टर्म साधारणपणे डिसेंबर, डिसेंबर सेकंड वीक या थर्ड वीक जैसे ही। शी इज आस्किंग व्हेन विल बी द मिड टर्म एग्जाम, सो मिड टर्म एग्जाम्स विल बी अराउंड डिसेंबर, सो वो एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बता सकते, जैसे ही टाइम टेबल आएगा विल गिव यू द डेट, सो विद इन फ्यू डेज वी विल डिक्लेयर द टाइम टेबल, सो एग्जाम्स विल बी इन द डिसेंबर फर्स्ट और सेकंड वीक, सेकंड वीक मोस्टली। प्रैक्टिकल इफ यू आर गिविंग हियर, सो इट विल बी इन अ सिंगल सिंगल डे में करते हैं प्रैक्टिकल्स एक ही साथ में, दोस हु कैन कम हियर एंड ड्यू प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर वेलकम एंड रादर हम लोग बोलते हैं फास्ट हो जाएगा, अदरवाइज ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स के आपको टाइमिंग शेड्यूल दिया जाएगा एंड टीचर्स विल ऑब्जर्व फॉर प्रैक्टिकल्स, ओरल विल बी 1-to-1। हेलो सर, हेलो हेलो सर, वन सेकंड वन सेकंड आई विल कम बैक टू यू, हाँ कुमोल वन सेकंड आई विल कम टू यू, या हेलो कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, वेट वेट अ मिनट, आई विल गिव यू अ चांस, देयर इज अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम द फिजिकल स्टूडेंट्स ओवर हियर, वन सेकंड आई विल रिपीट हर क्वेश्चन आल्सो एंड आई विल आस्क यू आल्सो, या मोस्टली है ना लेक्चर्स दोन तासाचे लेक्चर्स असतात, आयदर सॅटरडे इव्हनिंगला लेक्चर्स होऊन जातात किंवा प्रॅक्टिकल सेशन फुल दोन तासाचं असतं, फर्स्ट टर्म मध्ये चार लेक्चर्स डॉक्टर्सची संडे मॉर्निंगलाच होतात 8-to-10 मध्ये, ओके सो शी इज आस्किंग व्हॉट इज द पॅटर्न, तो मोस्टली जो लेक्चर्स होते वो दो दो घंटे के लेक्चर्स होते वो सॅटरडे या तो संडे सेकंड सेशन में मोस्टली होंगे, फर्स्ट सेशन विल बी प्रैक्टिकल सेशन संडे को, या तो कुछ आपका क्रिया का या सिंपल योगी क्रिया का कुछ होगा तो सेशन से, एंड सेकंड सेशन में लेक्चर्स होंगे, फर्स्ट सेशन में कभी कभी डॉक्टर्स के क्वेश्चंस सेशन से, यस अरे मग आता आता जेवण काय घालू नंतर बघू नको, जेवण बरोबर नाही झालं नाही झालं तर मसाले कुठलेच नाही असं सांगते। हॅलो हॅलो मॅडम, यू आर आस्किंग समथिंग, हॅलो हा या या सर, आय वुड लाईक टू नो दॅट व्हॉट अबाउट द प्रोजेक्ट्स, बिकॉज लास्ट इयर इन YNTC वी हॅड प्रोजेक्ट अँड एव्हरीथिंग, सो व्हॉट विल बी इन दिस कोर्स, या आय विल रिपीट हर क्वेश्चन, शी इज आस्किंग लास्ट इयर याने की TTC में देर वॉज अ प्रोजेक्ट, सो यहाँ पे प्रोजेक्ट है क्या, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं है ना, तो कोई प्रोजेक्ट नहीं करनी है यहाँ पे, तो नो प्रोजेक्ट, ओनली पोस्टर, पोस्टर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के कैसे है उसके लिए पोस्टर होगा, बिकॉज वी हैव एग्जीबिशन पोस्टर्स वही एक है, एंड एक असाइनमेंट ग्रुप, दैट असाइनमेंट एंड पोस्टर सर ओनली थिंग, ओके नो प्रोजेक्ट वर्क, हाँ एनीबडी, हाँ यस मैडम उषा मैडम काय, हा शी इज आस्किंग वेदर द लेक्चर्स विल बी इन्फॉर्म अर्लियर, टाइम टेबल इट इज इन द टाइम टेबल, यू विल बी गिवन अ टाइम टेबल सून, मोस्टली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक में उसके बाद में विद इन 10 days द टाइम टेबल विल बी गिवन, एंटायर मिड टर्म अप टू डिसेंबर ऑल लेक्चर्स एवरी टाइम टेबल विल बी देयर, ओके पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा जल्दी, नहीं दे
हाँ सगळी नाही, सम ऑफ द बुक्स शी इज आस्किंग वेदर बुक्स आर अवेलेबल इन अदर लैंग्वेज. टू थ्री बुक्स आर देयर, सूर्य नमस्कार इज देयर, डायट बुक इज देयर, एंड सिंपल योगिक क्रिया बुक है. दोज बुक्स आर अवेलेबल इन मराठी, हिंदी एक्सेट्रा. मैन्युअल्स आर अवेलेबल इन इंग्लिश, बट मैन्युअल्स में मोस्टली मोर देन 50% यू विल फाइंड द प्रैक्टिसेस. और वो तो किसी को भी समझ सकता है, उसके लिए लैंग्वेज का जरूरत नहीं. ओके यस कृष्णा, आश्रम विजिट? हेलो हेलो नहीं, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. भैया, हे कशा ठेवू शकतो आपण हे? नहीं, ही इज आस्किंग वेदर ऑल ऑफ अस विल हैव अ नेचुरोपैथी विजिट एट अ टाइम. इट इज नॉट पॉसिबल. इतने जन को मसाज करने के लिए उधर उतना टीम चाहिए, है ना? इतने जनों को ट्रीटमेंट देने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. सो बैचेस में भेजते हैं, वी सेंड इन बैचेस, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस बनाते हैं, मोस्टली 15 to 20, डिपेंडिंग अपॉन द उनके पास कितने मेसर्स हैं, कितने देने के लिए आदमी है, वर्कफोर्स कितना है. वो हम लोग उनसे टाई अप करके बैचेस से, यहाँ से वी अरेंज अ बस, फ्रॉम बस यू विल बी टेकन देयर, यू विल गेट ऑल ट्रीटमेंट्स एंड ऑल, एंड देन यू विल बी ब्रॉट बैक टू वाईवीएन. दैट पैसेज दैट इज इंक्लूडेड, नो एक्स्ट्रा पे. ओके दिस इज नॉट चार्जेबल, दिस इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स. ओके नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर बस, नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर योर दिस. एंड सपोज इन केस किसी को दे डोंट ज्वाइन इट और समथिंग एंड दे वॉन्ट टू डू इट सेपरेटली, तो वील रीएम्बर्स द फिक्स अमाउंट ऑल्सो, बट दे हैव टू टेक द ट्रीटमेंट्स एज वी आर गिविंग. ओके बट ट्राई टू बी विद द टीम इटसेल्फ, सो दैट इज मच बेटर. एनीवे बोलो एनी. या या हाय सर, दिस इज प्राची हियर. या या आई स्टे इन योर दादर, सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू जॉइन फॉर ग्लोबल क्लास एंड अटेंड द क्लासेस, लाइक फिजिकल क्लासेस नियर दादर? यस डेफिनेटली डेफिनेटली यू या कैन डू दैट. यस 100% ओके, ओके यू कैन डू दैट. देर वोंट बी अ डिफरेंस ना बिटवीन, बिकॉज दिस विल बी द नो नो ग्लोबल नॉट एट विजिट ऑल, फ्रॉम नो पार्टी, डिफरेंस राइट? एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल, एवरीथिंग इज सेम. या शी इज आस्किंग वेदर शी कैन टेक एडमिशन इन ग्लोबल एंड कम फिजिकली, सो ऑल ऑफ यू नो द आंसर. ओके तो दैट कैन बी डन. या कुमाऊं ब्रिज कैनी प्रेफरल? या यस कुमाऊं, यू हैव रेज एन हैंड. नो सर, ओके सेंड दो. नो सर, दानिया, थैंक यू. ओके विभा विभा हाँ अग्रवाल. सर, फॉर द आश्रम विजिट आफ्टर द फर्स्ट टर्म एग्जाम, आश्रम विजिट सर? आश्रम विजिट है ना, वो भी हम थोड़ा सा टाइमिंग अभी एग्जैक्ट नहीं, कभी हो लास्ट टू लास्ट ईयर वी आर डन इन नवंबर, फेब्रुआरी एंड नवंबर में भी किया था. हाँ हाँ तो वेबिनार के टाइम में भी, फेब्रुआरी में भी हो सकता है, बट दैट सून इट विल कम, डोंट वरी, विल इन्फॉर्म यू वेल इन एडवांस, 3 3 साढ़े 3 ओके महीने ओके, आपको मालूम पड़ेगा, डोंट वरी. एक्चुअली मैं सर, मैं प्लान योर, असम आई अंडरस्टैंड असम यू में कैन हूँ प्लान ना योर सर. वेकेशंस एंड ऑल. अकॉर्डिंगली वी विल प्लान कि हमें किस मतलब 3 4 मंथ्स में मुझे उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना होगा आई इसलिए. अंडरस्टैंड, दैट इज वाई आई सेड यू कैन प्लान योर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली, इट इज 3 मंथ्स एडवांस में अगर मिल जाएगा. ओके दैट ओके सर, डेफिनेटली थैंक यू. विल हेल्प. या इज देयर एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क और शुड वी कॉल इट अ डे? पूछना है कुछ? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट्स? किसी को कुछ डाउट है पूछना है? अंजू Should we end? पूछ Should we end the session? Let me know. रही है, Yeah? अरे यार All satisfied? Now jump into the fray if you are not, yet सर decided. सर सर, कैन आई Yeah. आस्क अ क्वेश्चन? Yeah, अंजू सम sure. आस्किंग Yeah, सर, sure. अंजू जी वांट्स सम आस्किंग, अंजू क्या? तपाड़िया जी सर, अंजू या अंजू? तपाड़िया जी वांट्स,
सॉरी सर, या मेरे अंजू? को हाथ रेज करने को नहीं आ रहा था भाई, सॉरी नहीं नहीं ठीक है, सर. या टेल मी। विल देयर बी अ ग्रुप दैट बी फॉर्म फॉर द नेक्स्ट क्लास इंफॉर्मेशन, ये अपनी सेशन जो नेक्स्ट अंजू एक्टिविटी. लिटिल लाउडर, लिटिल सर लाउडर आई कांट हियर। एम आई बेटर नाउ? हाँ या सर विल देयर बी अ ग्रुप फॉर्म वेयर द नेक्स्ट लिंक एक्सेट्रा विल बी पोस्टेड फॉर द नेक्स्ट क्लास सैटरडे, और इज देयर अ ग्रुप? आई एम एक्चुअली नॉट इन इट, सो आई एम आस्किंग. We have already formed a group. I will add you to the group. Don't worry. ओके सर, ओके Yeah, ठीक है सर, ठीक we'll है add. सर, थैंक यू सो Group मच. is already formed and अच्छा we'll add. I will add you to the group. Don't worry. I know that is on my mind. Mini Hari सर, Krishnan, yeah. यस सर, आई एम ऑन द ग्लोबल ग्रुप, बट इन केस इफ आई फाइंड डिफिकल्टी इन क्रिया ऑनलाइन, कैन आई अटेंड द अदर ब्रांच? Yes, definitely you can do that. And थैंक online यू सर. also there won't be any difficulty. We are sure about it. But you can, okay? थैंक यू Definitely. सर. So, if anybody online have any queries, just wait before I close. But here they have finished all their queries. Yeah. Overall performance. Overall, the question is that 800 marks का एग्जाम है, 100 ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए है, सो व्हाट इज दैट? द होल ईयर वी विल बी ऑब्जर्विंग यू इन डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउ यू आर पार्टिसिपेटिंग, हाउ यू आर टेकिंग प्रोएक्टिवली व्हाट यू आर डूइंग. एग्जैक्टली यू विल नॉट इवन नो क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं, किसके किसके मार्क्स किसके बीच पे. अभी खत्म हो गया तो जल्दी कौन भागते हैं, कारपेट कौन फोल्ड करते हैं, है ना? अंदर आने के टाइम में डिसिप्लिन, शू डिसिप्लिन कौन रखते हैं, है ना? सो दैट इज सिंपल थिंग्स. ऐसे नहीं उसके मार्क्स से ऐसे नहीं बोलता, आई एम जस्ट टेलिंग यू. बट दे आर, वी आर गिविंग सम पर्टिकुलर थिंग्स और डिसिप्लिन के लिए, और कैसे कैसे मतलब एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, योग वार्ता के लिए लिखना, रिपोर्ट करना, योग वार्ता में आर्टिकल लिखना, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स हो जाएंगे, है ना? हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, यस डेफिनेटली. थैंक तो इसके लिए भी मार्क्स है. ओके, रिपोर्टिंग करना, लिखना, पोस्टर, असाइनमेंट, उसके भी स्पेशल मार्क है. असाइनमेंट कैसे लिखते हैं, पोस्टर्स कैसे बनाते हैं, पोस्टर्स में प्राइजेस है तो उसके मार्क्स अलग से हो जाएंगे. सो डेफिनेटली इट विल बी देयर. हाँ ओके, सो विल टेक वन ओमकार. दोज हु आर इन हरी कैन लिव, दोज स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस, आई एम देयर वेटिंग फॉर यू. So we'll take one omkar, sit straight, spine erect, chin parallel to ground, drop your eyelids, steady your body, take a deep inhalation. Om. Open your eyes and good day to you. बहुत दिन के बाद वाईवीएल में ऐसे सब फिजिकल में मिलने के बाद अच्छा लगा. Keep this practice if it is possible. Keep on coming and keep on meeting. Okay? We love meeting in person. Okay? So ठीक है. Yeah. Thank welcome. Thank you, sir. Yeah. Thank you. Namaste, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good day, sir. Yeah. Good day, sir. Thank you. चॉकलेट आया था, लिमिटेड चॉकलेट चाहिए. थैंक यू सर. कैन वी अनाउंस इन नेचर तरीके के बाद में छुपा दिया आपने. ऐसे कुछ नहीं, इससे पूछो. नेचुरोपैथी मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट और कुछ करना है. तुमको कोई जेल में नहीं डाला है ना? दैट आल्सो आई विल मेक क्लियर. सर एंडिंग द मीटिंग हियर, वी विल मीट ऑन सैटरडे फाइव. We are closing the session.